हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज फैमिली ब्लॉग प्लस किचन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी सी केक डिज़ाइन, जो कि आप मिनटों में बना करके रेडी कर पाएंगे। और होम बेकर्स के पास तो अर्जेंट ऑर्डर आते ही हैं, तो आप ये वाला डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। ऐसी ये डिज़ाइन मुझे कस्टमर ने प्रोवाइड किया था, उन्हें ये केक डिज़ाइन चाहिए था बट बिना चॉकलेट के। जो इसमें चॉकलेट गनर्श साइड में डाला हुआ था वो नहीं चाहिए था, इसे सिर्फ वनीला फ्लेवर और ऊपर से भी चॉकलेट वाली डेकोरेशन नहीं चाहिए थी। उन्होंने बोला सिर्फ जो स्काई ब्लू वाला जो पोर्शन था वही मुझे चाहिए और वही कलर चाहिए, चॉकलेट का यूज़ बिल्कुल ना करें। तो ये अप्रॉक्स आपने देखा 350 ग्राम के करीब था केक। तो इसका जो टॉप वाला लेयर था उसे मैं हटा दी थी, तो ये सिर्फ 250 ग्राम के आसपास इसका वेट आया था। और फिर मैं इसे दो लेयर जो बचा उसे अच्छे से वैनिला फ्लेवर था तो उसे मॉइस्ट की और क्रम कोटिंग करके रख ली, क्योंकि ये काफ़ी छोटा केक था। आपको साइज़ देख के पता चल रहा होगा कि ये काफ़ी छोटा वाला केक है। आजकल छोटे छोटे केक इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग है सरप्राइज़ देने के लिए। रात में 12 बजे लोग छोटे छोटे केक बहुत सारे ऑर्डर्स करते हैं, तो आप ये वाला डिज़ाइन, अगर कस्टमर आपको डिज़ाइन सजेस्ट नहीं किया है तो आप ये वाला डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। अर्जेंट ऑर्डर आने पर भी ये बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, 1 मिनट में आप बना करके रेडी कर पाएंगे। तो बस जितना फिनिशिंग हो सकता था मैंने फिनिशिंग दिया, और जो उसमें डिज़ाइन दिया हुआ था चॉकलेट के बाद जो स्काई ब्लू वाला, वो अब हमें देना है। तो मैंने ये सजेस्ट किया था कस्टमर को, अगर किसी कस्टमर को सेम डिज़ाइन चाहिए और चॉकलेट नहीं चाहिए तो आप न्यूट्रल जेल में या फिर वैनिला ग्लेज में ब्राउन कलर डाल करके भी वो जो ड्रिपिंग वाला इफेक्ट है वो ला सकते हैं। तो इसलिए मैंने उन्हें ये ऑप्शन दिया कि अगर आपको सेम डिज़ाइन भी चाहिए तो मैं ये कर सकती हूँ, बिना चॉकलेट के आपको चॉकलेट नहीं मिलेगा। बट उन्होंने बोला नहीं, मुझे बस स्काई ब्लू वाला ही चीज़ चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, साइड में हल्का सा कर्व में। तो मैं जितना मार्क टूथपिक से की उतना इस टाइप से 2C नोज़ल में ले करके ये कर रही हूँ। तो मैंने किया, तो मैं उन्हें पिक भेजी थी कि इतना मैं की हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपको इसी टाइप का चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये हाफ जो मैं पतला सा मार्क की थी उतना नहीं, आधा केक कवर हो जाए इसी कर्व वाले डिज़ाइन से। और हैप्पी बर्थडे का मैं बोली मैं टैग लगा दूंगी, तो उन्होंने बोला नहीं हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए। मैं बोली नहीं, क्रीम से थोड़ा हैप्पी बर्थडे लिखने में हाथ है ना, वो लिखने का आदत नहीं होता, जिसे प्रैक्टिस होती है वो तो बहुत अच्छा लिख लेता है, बट हम लोग लिखते नहीं और डर लगा हुआ रहता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, जैसा लिखना है बस आप हाथ से ही लिख दीजिए, वो टॉपर में वो वाली फीलिंग नहीं आती है जो लिखा हुआ में आता है। तो मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, ट्राई करती हूँ। फिर मैंने लिख ही डाला हैप्पी बर्थडे, और ये वाला सेम से थोड़ा सा बड़ा कहीं ज़्यादा ड्रिप करते हुए ड्रॉप वाले फ्लावर्स 2C नोज़ल से मैंने ये बना लिए हैं, उसमें सेम इसी टाइप का था। ऐसे में इसमें आप चाहें तो ये जो मैंने हाफ फिल किया है, इसे आप छोटी वाली जो स्टार नोज़ल होती है उससे रोज़ेट वाली भी डिज़ाइन बनाइएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये वाला डिज़ाइन आप ट्राई कर सकते हैं, मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा, 1 से 2 मिनट अगर बिगनर्स हैं। फिर भी फिर सेम क्रीम मैंने जो नॉर्मल हैप्पी बर्थडे लिखा उसी पाइपिंग बैग में ली, थोड़ा सा बड़ा कट लगाया, और ये जो पर्ल वाला बॉर्डर होता है उस टाइप का मैं बॉर्डर दे दी, क्योंकि केक में जो केक का था वो तो चॉकलेट ही पूरा उसमें था नीचे, तो मैंने सोचा चलो सिंपल ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि इनकम्प्लीट सा लग रहा था मुझे केक, तो मैंने ये खुद से ही नीचे इस टाइप का बॉर्डर दे दिया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे पुराने वीडियोज़ आप चेक करें, आई होप कि आपके लिए वो सारे वीडियोज़ भी हेल्पफुल होंगे। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, और आप हर दिन न्यू वीडियो में कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ नया जान पाएंगे। और होम बेकर है तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर जो मैंने 2C नोज़ल से जो डिज़ाइन बनाया था ड्रॉप वाले फ्लावर्स, उस पर मैं व्हाइट वाले छोटे छोटे जो बीड्स होते हैं वो डाल दूंगी। ये उस जो फ़ोटोज़ मुझे प्रोवाइड किया हुआ था उसमें डाला हुआ था, और साइड में स्काई ब्लू वाले छोटे वाले पर्ल जो होते हैं वो मैं हैप्पी बर्थडे जिधर लिखी हूँ उस साइड में लगा दूंगी। और हमारा सिंपल 1 मिनट में केक बन करके रेडी है। ये डिज़ाइन देने में एक, अगर आपको अर्जेंट ऑर्डर आधे घंटे में भी आ जाए ना, तो आप ये वाले डिज़ाइन बना के दे सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को कभी भी आपको भेजना नहीं है, हर एक ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करना है, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेंशन लेके पेन लेके आप करें, बट अगर आपके लिए पॉसिबल है तो, अगर होम बेकर है तो आप ज़रूर हर एक ऑर्डर एक्सेप्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, कुछ आप नया जान पाए होंगे, कुछ नया सीख पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टॉप हेटिंग एंड स्टार्ट बेकिंग।
टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।